गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो है कंडक्शन पढ़ लिया। ट्रांसफर ऑफ हीट चल रहा है अपना, कंडक्शन और कन्वेंशन, ठीक है, दोनों पढ़ लिए हमने। अब तीसरा जो बचा वो कौन सा बचा है, रेडिएशन। रेडिएशन में मैंने क्या बताया था, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीन्स ना सॉलिड की, ना लिक्विड की, ना गैस की, ये विदाउट मीडियम ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मीन्स किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा वो वेव की तरह होगा, वेव नेचर फॉर्म में, मतलब इस तरह से चलेंगी वेव, इस तरह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो आपके जो सूर्य की रेज पहुंचती है वो आपको हालांकि दिखाई नहीं देती वेव, लेकिन वो एक वेव की तरह ही चलती है। तो जो सूर्य की रेज है उनको ऐसा तो है नहीं कि भाई सॉलिड में ही ट्रांसफर करती हैं, लिक्विड में ही करती हैं, गैसेस में, तो ये क्या करती हैं, जो सूर्य की रेज मीन्स अपने अर्थ पर पहुंचती है वो कैसा मीडियम है, रेडिएशन मीडियम। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मीन्स ये वेव फॉर्म में होगी, द सन रेज रीचिंग ऑन द अर्थ सर्फेस, जैसे सूर्य की रेज है अर्थ सर्फेस पे पहुंचते हैं। सभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें रेडिएंट एनर्जी होती है, ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएंट हीट्स, ठीक है, इनमें रेडिएंट हीट होती है। अगला है कि गर्मियों में और सर्दियों में किस तरह के कपड़े मीन्स हम यूज करते हैं, क्लोथ फॉर विंटर एंड समर। गर्मियों के अंदर तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे व्हाइट कलर हो गए, बोलते हैं ना कि व्हाइट कलर गर्मियों में पहनना चाहिए ताकि गर्मी कम लगती है। और विंटर में हम पहनते हैं डार्क कलर, डार्क कलर, ठीक है। इसका रीजन है कि मीन्स अगर हम गर्मियों में अगर लाइट कलर कपड़े पहनेंगे ना तो मीन्स हमें कम गर्मी लगेगी, ऐसे अगर सर्दियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी। अब हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे वापस इन्वायरमेंट में हीट भेज देंगे, तो क्या होगा, मीन्स हमें थोड़ी ठंडक महसूस देंगे ये, ठीक है। तो देखो, व्हाई डू वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर, मीन्स हम समर में गर्मियों में लाइट कलर्ड क्लोथ क्यों पहनते हैं, तो द लाइट कलर्ड क्लोथ रिफ्लेक्ट हीट, मीन्स ये क्या करते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं बैक इनटू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं एंड कीप कूल, और इस जिससे क्या होते हैं, हमें ठंडक महसूस होती है। अगला है कि हम व्हाई डू वी वेयर डार्क कलर क्लोथ इन विंटर, मीन्स हम सर्दियों के अंदर डार्क कलर क्लोथ क्यों पहनते हैं, ठीक है, क्यों पहनते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो लाइट कलर है वो तो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट कलर तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट, लेकिन जो डार्क कलर है वो क्या करता है, अब्जोर्ब करता है, मींस हीट को अब्जोर्ब करेगा, और अब्जोर्ब करेगा तो मींस हमें वो गर्म रखेंगे। ये क्या करता है, जो डार्क कलर क्लोथ होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को अब्जोर्ब करते हैं, लाइट कलर क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये हीट को अब्जोर्ब करेंगे तो मींस हमें गर्मी नहीं लगेगी। तो why do we wear dark colored cloth during winter, means हम सर्दियों में dark colored cloth क्यों पहनते हैं, the dark colored cloth absorb the heat, means ये क्या करते हैं, heat को absorb करेंगे from the environment, environment से क्या करेंगे, heat को absorb करेंगे and keep warm, और हमें गर्म रखेंगे। अगला है कि भी जो हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, woolen cloth पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, एक मैंने कंडक्टर बताया था और एक इंसुलेटर बताया था, ठीक है, एक कंडक्टर बताया था और एक इंसुलेटर, मींस ये जो वूलन क्लोथ होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मींस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है, ये अपने अंदर मींस जो हीट को अलाउ नहीं करते आने के लिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, मींस जो अपने जो एनवायरमेंट के अंदर, और जिसके कारण से मींस उनके अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी वूलन क्लोथ के अंदर, जिसे एयर जो प्रेजेंट होगी वुलन क्लोथ के अंदर, और हमें जो अपनी बॉडी है वो उसको वार्म रखेंगे। देखो, हाउ डू वुलन क्लोथ कीप अस वार्म, मींस हमें ऊनी कपड़े गर्म कैसे रखते हैं, द वुलन क्लोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मींस ये क्या है, इंसुलेटर है, वुलन क्लोथ क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट मींस इंसुलेटर, देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ हीट, तो ये क्या करते हैं, हीट को अलाउ नहीं करते अंदर आने के लिए फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एंड टू मूव आउट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। क्या है, वुलन क्लोथ बैड कंडक्टर होने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर मींस से उसको हीट को बाहर नहीं जाने देते इन्वायरमेंट के अंदर,
ठीक है, दे डू नॉट अलाउ टू हीट फ्रॉम दी बॉडी, मीन्स वो हीट को बाहर नहीं जाने देते, टू मूव आउट इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में नहीं जाने देते. एज ए रिजल्ट द एयर प्रजेंट बिटवीन द वूलन, मीन्स जो वूलन क्लोथ के बीच में जो एयर प्रजेंट होती है, क्लोथ एंड अवर बॉडी बिकम हीट, तो हमारी बॉडी क्या है, हीट मीन्स गर्म हो जाती है, एंड दस मेक दी फील वार्म, और इसी कारण से हम गर्म महसूस करते हैं. ठीक है,